नो no, राइट right? तो आप लोग की बात का बुरा माना जाता है माँ बाप से लेकिन अगर कोई एक्ट्रेस करे तो क्या वो प्रॉपर है या जेंडा है या वो एक नोशन है जो हमारी सोसाइटी हमारे मीडिया को लेकर प्रोजेक्ट करती है मैं एक एक्ट्रेस हूं लेकिन उससे पहले मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जिसकी कुछ ड्रीम्स थी जो चाहती थी कि वो एक्टिंग करे, क्योंकि जैसे वो बड़ी हुई उसने घर में देखा कि कोई भी अम्मा को काम होता है और उन्होंने बच्चों को साइड पर लगाना होता है तो वो श्रीदेवी के गाने चला देती हैं और कहती हैं चलो बेटा काम करो क्योंकि मुझे तो कपड़े धोने हैं तो अक्सर इसी तरह के टाइम में मैं पहली बड़ी भाई बहनों के साथ जब कोई गेम खेली थी तो बजाय के डॉक्टर डॉक्टर या टीचर टीचर खेलें हम लोग सब डांस कॉम्पिटिशन्स करते थे या फिर स्टोरी टेलिंग सुनाते थे कोई एक भूत बनता था और कोई एक बेचारा डरा हुआ इंसान और हम एक दूसरे को डरा डरा के इस तरह गेम्स खेलते थे एक दूसरे से सो so, आहिस्ता आहिस्ता मैंने रियलाइज़ किया कि एक यही चीज़ है जो मुझे काफ़ी अच्छा फील कराती है स्कूल में चली जाती हूँ यूनिवर्सिटी भी चली जाती हूँ लेकिन जब भी कोई मुझे पता चलता है कि कोई ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन आने वाला है तो वहाँ मैं सबसे पहले खड़ी होती हूँ कि ओके आई हैव टू टेक पार्ट इन दिस सो फाइनली एक दिन मैं अपने अब्बा के पास गई कि बाबा मुझे एक्टिंग करनी है एक बहुत बड़ा प्ले हो रहा है और वो ईरान जा रहे हैं तो मुझे एक्टिंग करनी है तो उन्होंने कहा बेटा आपको मेरी ज़िंदगी की कसम है लेकिन आप एक्टिंग नहीं करोगी कभी भी तो मैंने कहा अच्छा चले मुझे पंद्रह सौ रुपये दे दे वो मुझे ना एक चीज़ की वो ट्यूशन फ़ी भरनी है तो उन्होंने मुझे पंद्रह सौ रुपये दे दिए और बात ख़त्म हो okay. गई अब मैं अम्मा के पास गई मैंने कहा अम्मा बाबा ने तो मना कर दिया किस पॉइंट से उन्हें समझाऊं कि मुझे काम करना है मुझे एक्टिंग करनी है वो प्ले जा रहा है ईरान में तो उन्हें कहा बेटा उन्हें बताओ कि ईरान में तो सब हिजाब लेते हैं तो हिजाब पहन के तुम एक्टिंग करोगी तो वो तो अच्छी बात होगी तो मैंने गई मैं गई बाबा के पास मैंने कहा बाबा वो हिजाब पहन के एक्टिंग होगी तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ये तो बेटा बहुत ऑनर की बात है हिजाब पहन के आप एक्टिंग करोगी वेरी गुड चल ड्रेन यू शुड गो भेज दिया माई ब्रदर्स हैव थ्री ब्रदर्स तो सारे बहुत अगेंस्ट थे कि लड़के और लड़कियां मिल के जहाज में पाकिस्तान से ऑल द वे रान जाएंगे थोड़ी सी टर्बुलेंस हो गई तो कोई डर के किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो क्या होगा उसी मसले में मेरे बेचारे माँ बाप पता नहीं कितने उन्होंने दुआएं की लेकिन फाइनली जब मैं रान पहुंची तो मेरे भाई का सबसे पहला सवाल ही था तुम्हारी सीट किसके साथ थी टीचर के साथ थी या स्टूडेंट्स के साथ सो आई टोल्ड हिम कि नहीं मैं टीचर के साथ ही बैठी हुई थी सो ही वॉज़ कम्फर्टेबल विद दैट फाइनली प्लेज uh, हो गए वापस आई अच्छा प्ले हुआ uh, एक और प्ले हुआ बाबा को नहीं बताया मेरी सारी खालाज मेरी फुप्पोज मेरी अम्मा प्ले देखने आए खुश हुए फिर एक दिन घर गई और मैंने बाबा को बताया कि मुझे लगता है कि दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट आई कैन डू अम्मा सामने बैठी थी। अब मैंने कहा बेटा जान छोड़ो हमारी शादी करो तुमने जो करना है कर लो जिंदगी में उसके बाद हमारे सर से हर वक्त की टेस्टर जो है ना उठा दो कि मुझे अब ये करना है मुझे ये करना है मुझे एक्ट्रेस बनना है मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है हम नहीं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते मैं कहा ठीक है नथिंग लाइक इट छोटी सी तो बात है सिर्फ लड़का ढूंढना है शादी करनी है तीन दिन का इवेंट भी हो जाएगा कपड़े बन जाएंगे डांसेस होंगे तो नथिंग लाइक इट तो हम अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान किया और इस शादी के रिश्ते के प्रोसेस में हम देख रहे थे मेरे लिए रिश्ते हम उस सारे प्रोसेस में अमेरिका चले गए अब जब हम अमेरिका जा रहे थे तो हम फ्लाइट में एंटर होने से पहले जब बोर्ड कर रहे थे मेरे अब्बा ने मुझे कहा बेटा पासपोर्ट सारे मुझे देते हैं मैं कह नहीं पासपोर्ट तो खैर मेरे पास ही रहेगा बिकॉज आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन आई कैन टेक केयर माय पासपोर्ट उन्होंने कहा फ़ाइन कूल हम गए सेल्फीज़ खिंच पाते हुए मैं मैनचेस्टर पे उतरी और मैंने अपने अब्बा को सिक्योरिटी चेक में इशारा किया कि पासपोर्ट है ना सो इज़ लाइक कि पता नहीं बेचारे पागल हो गई बाहर आते ऐसे थम्स अप करिए कि आई एम सो हैप्पी तो उन्हें कहा कि ओके okay. जब हम और बाहर गए शॉपिंग करते हुए ड्यूटी फ्री से तो मेरे भाई ने कहा यार अपना पासपोर्ट देना तो मैंने कहा वो तो बाबा के पास है ना तो बाबा ने कहा बेटा पासपोर्ट कहाँ है मैंने कहा वो तो आपके पास था उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है एंड आई रियलाइज कि मेरे पास पासपोर्ट था ही नहीं ना जहाज में ना एयरपोर्ट पे, तो जो मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन थी वो दो मिनट में वहाँ एक माँ बाप की क्राई बेबी बन गई जिस वजह से मेरे माँ बाप मुझे यही कहते थे कि तुम तो एक इंडिपेंडेंट बच्ची नहीं बन सकती तो इसलिए तुम तो अपने पास चीज़ें रखा ही ना करो दैट वॉज़ अ मिस्टेक दैट वॉज इनकल इनकलकेट बाय माई पेरेंट्स इन टू मी जब बचपन से आप अपनी बेटी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर नहीं देते तो उसको लगता है कि वो आगे भी जिंदगी में जाके जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी तो उसको पूरा नहीं कर सकेगी तो जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसमें फेल हो गए नान द प्रॉब्लम डिपोर्टेड बैक टू पाकिस्तान एंड आई felt लाइक दे वॉज़ एन एनर्जी दैट द अर्थ वॉज गिविंग मी दैट यू डोंट हैव टू गो टू अमेरिका नहीं जाना कुछ रोक रहा था मुझे बार बार ट्रैवल करने के लिए बट यू नो मी बींग मी बिकाज़ आई a cool गर्ल आई वेंट दोबारा वीज़ा लगवाया पासपोर्ट बनवाया और फाइनली मैं अमेरिका चलेगी दोबारा अकेले अमेरिका गई वहाँ पे लोगों से रिश्तों का प्रोसेस शुरू हो गया प्रोसेस शुरू होते होते वहाँ पे हम एक फैमिली से मिले अच्छे लोग थे मुलाकात बड़ी। और लड़के ने मुझसे कहा कि आई लाइक टू मैरी यू मैंने कहा ओके दैट्स द प्लान दिस इज वॉट आई एम हे ऑफ आप मुझे एक्टिंग करने देंगे या like, yeah, बिल्कुल मैंने कहा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी है यहाँ तो वो मैं मास्टर्स अगर उन्होंने कहा हाँ अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है so, तो मैंने कहा बाबा बस अभी लोग कुछ कहेंगे तो आप लोगों ने ना नहीं कहना रिश्ता हो गया लिटरली तीन दिन में शादी हो गई मैं अमेरिका चली गई जब मैं अमेरिका गई तो बहुत सारी चीज़ें मुझे रियलाइज हुई कि ये रीज़न्स जिस वजह से मैं अमेरिका आई थी और ये रीज़न जिस वजह से मैंने शादी की थी वो रीज़न मेरी शादी को प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरा रीज़न अमेरिका आने का और एक इंसान से शादी करने का वॉज इस्केपिज़म दैट वन डिसीज़न दैट आई टुक अबाउट माई लाइफ फॉर इस्केपिंग फ्रॉम माई हाउस समबडी मेरे अब्बा अम्मा हु लव मी टू डेथ बट उनसे इस्केप करके मैं एक और घर में गई फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन्स एंड दैट वन डिसीजन लेट मी टू अ डिवोर्स आई गॉट डिवोर्स थ्री इयर्स अगो एंड आई गॉट बैक टू पाकिस्तान अब अब्बा वहीं दरवाजे पर खड़े कि मतलब ये मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून का मौका मुझे नहीं देगी औरत पहले इसने पासपोर्ट घुमाया फिर अब ये मतलब डिवोर्स अब मैं क्या करूँगा तो आहिस्ता आहस्ता मेरे अब्बा ने समझ लिया कि हेल हैज फॉलन हो जाती है डिवोर्स माई माई फैमिली हैज़ हेड डिवोर्स बिफोर और मेरी फैमिली ने भी इसको एज अ मॉडर्न फैमिली एज एन अंडरस्टैंडिंग फैमिली एक्सेप्ट किया बट क्या मुआरा मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग था कि एक एक्ट्रेस की बेटी जो एक एक्ट्रेस की नीस भी है और वो एक्टिंग करना भी चाहती है और एक्ट Act, एक्टिंग उस वक्त मेरा एक नया ड्रामा शुरू हुआ था जिस वजह से मैं पाकिस्तान आई हुई थी तो और उसी सारे प्रोसेस में मेरा मेरी डिवोर्स हो गई तो मैं नॉट एज़ फेमस इज नाउ बट उस वक्त मेरी थोड़ी बहुत फेस वैल्यू थी जिसकी वजह से लोग को लगता था कि एक एक्ट्रेस ये चेन ऑफ एक्ट्रेस है ना खाला अम्मा बेटी तो एक्ट्रेस तो डिवोर्स ही लेती हैं और मेरे अबा बंग फ्राम आमी माई थ्री ब्रदर्स उनके लिए ये बहुत बड़ा शौक था कि हमने सोसाइटी के साथ कैसे डील करना है अब जैसे ही मुझे लगा कि हम डीलिंग प्रोसेस में आ गए मुझे पता चला कि मेरी अम्मा को कैंसर है स्टेज टू कोलन एंड uh, हमारी सारी फैमिली ऑलरेडी एक बुरे वक्त से गुजर रही थी जैसे कहते हैं ना सोने पे सुहागा कि एक चौका था तो ऊपर से छक्का भी आ गया अल्लाह मैंने कहा कैच करो मैं सारे बॉल्स इस वक्त फेंकूँगा तुम लोग को तो फाइनली हमें जब पता चला तो हम लोग सब बहुत बहुत अपसेट uh, थे और हमें लगा कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मुश्किल है कि रिकवर करेंगी खैर मेरी अम्मा का तो कोई जवाब ही नहीं है वो ट्रीटमेंट करवाई रेडिएशन कीमोथेरेपी उसके बिल्कुल एक महीने बाद वो अपनी फिल्म का डेब्यू गाना रिकॉर्ड करके आई और उन्होंने वो वीडियो बना के ऑन को भेजी कि ये लो तुमने तो कहा था कि मैं नहीं कर सकूंगी तो ये बेटा मैंने गाना कर लिया तो फिल्म का प्रीमियर जो है एक्सरसाइज डेट को तो आ जाना दैट्स वन माई मदर डिसाइडेड टू स्टे हैप्पी विद द विल पावर दैट वॉज़ इनकलकेटेड इन हर बाय हर फादर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुश रहूँगी और मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ूँगी मैं हर उस इंसान को बताऊँगी जो मुझे बोलता है कि शायद आप नहीं जिंदगी कंटिन्यू कर पाएंगी मैं उन लोग को अपनी विल पावर से दिखाऊँगी कि मैं कर सकती हूँ अपनी जिंदगी कंटिन्यू एंड दैट वॉज अ डिसीजन जो उन्होंने उस वक्त लिया जिसकी वजह से हम सब ने स्ट्रेंथ पकड़ा खैर मेरे हालात उस वक्त बहुत ख़राब हो चुके थे मैं अम्मा का भी ख्याल रख रही थी एंड एट द सेम टाइम मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कहाँ जाऊँगी लाइफ में जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे एवेन्यूज़ चूज़ करते हैं मैं भी बहुत सारे एवेन्यूज़ चूज़ किए कभी किसी दरबार में गई कभी किसी के पास गई किसी के पास बुक थी उस बुक से कुछ पढ़ा किसी के पास कुछ नॉलेज थी हॉरोस्कोप uh, की उनके पास गई लेकिन मुझे कहीं समझ नहीं आ रहा था कि मेरे क्वेश्चन का आंसर कहाँ आएगा मेरे अंदर की एंगजाइटी डिप्रेशन कैसे ख़त्म होगी क्योंकि जैसे शाम होती है मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा दिल मेरे पेट में आ गया है और अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा बट वन डे समी केम टू मी एन सैट कि वाई डोट यू क्लोज योर सेल्फ इन रूम फॉर थ्री डेज एट लीस्ट एंड जस्ट गेट इन टच विद गॉड एंड चलो आई ट्राई दिस बाकी सब कुछ तो ट्राई कर लिया ये भी कर लेते हैं एंड आई डिसाइडिड एम गोइंग टू लॉक माई सेल्फ इन अ रूम अब सिर्फ खाने के लिए मेरे घर वाले मुझे इन टच रहते थे मेरे से और मैं कमरे में अकेले बैठे हुए सिर्फ रोती थी कॉन्स्टेंटली रोती थी और मेरे अब्बा को लगता था कि ये ऊपर से चीखों की जो आवाज़ें आ रही हैं वो दरवाज़ा तोड़ते थे कि स्टॉपिट और मैं हमेशा रिस्पॉन्ड नहीं करती थी उन्हें मैं कभी भी वापस जवाब नहीं देती थी आई वुड जस्ट ट्राई एंड गो ऑन विद माई मेडिटेशन एंड आफ्टर थ्री डेज वन आई गोड आटा द रूम I felt like everything is done and dusted कि अब मेरे सारे सवालत के जवाब मुझे मिलने वाले हैं और ऐसे ही हुआ दो महीने बाद I went to a film's premiere जहाँ पे I met a man जिनको मैंने छ साल पहले टी वी में देखा था और दो साल पहले उनकी भी डिवोर्स हो गई थी छः साल पहले कहीं मेरी खालाओं ने आपस में बैठ के बात की थी कि इन दोनों की शादी हो जाए तो क्या हर्ज है लेकिन मेरी भी ज़िंदगी कहीं और चल पड़ी और उनकी भी ज़िंदगी कहीं और चल पड़ी और हम सब ने रियलाइज़ किया कि ये तो नहीं हो सकता मगर उस दिन उस प्रीमियर पे जैसे और औरतों की आदत होती है कि एक दूसरे को हर वक्त शादियां कराते रहो रिश्ता जैसे कोई मिले फ़ौर ही बच्चों को आपस में मिलवा के खुश कर दो वो उन्होंने किया और नेचर ने कुछ इतना प्रोग्रेस किया कि हम लोग का रिश्ता तय हो गया नाउ दिस मैन इज़ माई हजबेंड राइट नाउ एंड इज़ हिलेरियस उन्होंने मुझसे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुम एक्टिंग करना चाहती हो क्योंकि उनको ये लगा नहीं कि एक आदमी एक औरत को उसकी सेल्फ के लिए या उसकी पहचान के लिए कोई सवाल कर सकता है या उससे एक क्वेश्चन कर सकता है कि तुमने ये करना है या नहीं करना उन्हें लगा कि एक नेचुरल सी बात है एक्टर है मतलब एक्ट्रेस है मैं भी एक्टर हूँ ये भी एक्ट्रेस है तो जो काम मैं करता हूँ वो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ और उन्होंने मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा जैसे मुझे एक ड्रामा आया, दूसरा ड्रामा आया तीसरा ड्रामा आया वो मैं करती गई और करने करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये डिसीजन उस डिसीजन के कंपैरेटिवली, इस डिसीजन की जर्नी इस डिसीजन तक पहुंचने का जो डिसीजन uh, मैंने लिया वो इज कम्प्लीटली डिफरेंट जो डिसीजन मैंने तीन साल पहले लिया था अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो डिसीजन मैंने अब लिया दोबारा लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है लेकिन इसलिए क्योंकि मुझे मुझे ही रहना है आई हैव टू बी माई सेल्फ बी इट फॉर अ मैन बी इट फॉर अ वमेन बी इट फॉर एनीबडी इन द वर्ल्ड आई हैव टू रियलाइज़ हु आई एम बिफोर आई अंडरस्टैंड हु आई वॉन्ट टू मैरी एंड दिस सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ मेड मी अंडरस्टैंड दैट फॉर गर्ल्स इन आर सोसाइटी इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि शादी के रिश्ते में जाने से पहले वो इस बात को समझें कि उनके अबू उनके भाई उनकी बहनें उनसे क्या चाहते हैं और फिर वो लड़की अपने आप से क्या चाहती है वो लड़की अपने आप को कहाँ रखती है क्या सोचती है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कैन ओ फॉल इन लाइफ यू कैन ओ फेल सो बैडली What's, what's the biggest nightmare for a girl? To get married and to get divorced. When that's done and dusted, you understand it's okay to be remarried, and it's okay for the society to call you a divorcee, and it's okay for the people to say that you're a divorced actress. But what's not okay is to not accept yourself. And that's the power of a single decision that you have to take for yourself that you need to understand yourself. I love the blue denim jacket that you're wearing. So women like you and all of you in this room need to understand yourself before you understand what your father, mother, and brothers have to say. But that does not mean that you're getting rebellious, you're running away from home, turning off your phone, and you're not telling them that a the trip to Neelam Valley Don't lie about that. Tell them the truth. A lot of discussions in the world are solved by So this is so little. You just going to sit with your family and talk. And I'm still standing here as a Pakistani woman. I'm st still strong, like my country. I'm again going to elect a prime minister because I fail, but I never ever give up deciding on who I am and what I want to be. Thank you. <clears throat>